Namaste. Actually, our first point is greenhouse. So, first point. Par more than 600 orchid collection. Kiya 600. Okay. Jitna bhi orchid plantation kiya pura north east se hi hai. Orchid two types hote hain. Ek soil mein hone wala orchid hoti hai, mitti se hone wala orchid. Kaisa kaisa? Mitti se hone wala. Growing underground, usko mitti ki jo hoti hai. Aur jo pair mein hai, usse mitti ki jo nahi hoti, aise pair ke lakri par grow kar sakte hain. पेड़ के ऊपर पेड़ जो पेड़ में होते हैं वैसे पेड़ के लकड़ी के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, कहा जाता है लोगों को। ओके, पॉट में करना चाहते हैं चाकू लेट को कनेक्ट कर फाइबर डाला जाता है। ये असम का स्टेट फ्लावर है। अभी जो फ्लावर ये स्टेट फ्लावर है, फॉक्स टेल ऑर्किड। कौन सा? इसका पिंक और व्हाइट आएगा, तो मार्च से शुरू होता है इसका फ्लावर। ब्लूमिंग का सीजन सबका अलग अलग होता है। तो जब ये फ्लावर आता है तो आसामीज गर्ल्स को जब व्यू होते हैं, हमारे जब व्यू डांस होते हैं उस समय आसामीज गर्ल्स लोग ये वाला फ्लावर ऑर्नामेंट के लिए यूज किया जाता है। अभी तो आर्टिफिशियली लगाते हैं। इसका लेंथ 30 से 40 सेंटीमीटर होते हैं। इतना बड़ा? हाँ, इतना मान होते होते हैं। तो इसको हिंदी में कहा जाता है सीता पुष्पा। सीता पुष्पा और संस्कृत में द्रुपदी माला। द्रुपदी माला। और ऑर्किड आर्ट इन्वर्ट करना चाहते तो ऑर्किड में देखिएगा, हमेशा सिक्स पेटल होगा। अगर कोई भी ऑर्किड देखेगा हमेशा सिक्स ही होगा, एक भी ज्यादा नहीं होगा, एक भी कम नहीं होगा, हमेशा सिक्स ही होगा। जैसे यहाँ पर भी सिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वाला मॉडिफाइड पेटल होगा। इसको कहा जाता है एलआईपी लिप या लेवल आप। इसका कलर हमेशा डार्क रहेगा, पांचों में से बिल्कुल अलग होगा। तो इसी के द्वारा पहचान सकते ये ऑर्किड है। यहाँ पर भी देखिए एक मॉडिफाइड पेटल है और इसका डॉल जैसा भी है, दो हाथ है, फेस एक लेडीज जैसे। अच्छा, पांच ये है, ये एक सेकंड कहाँ गया, ये रहा, एक दो तीन चार पांच, और ये लाल नीचे है जो पिंक कलर का वो। यस, गुड। ऑर्किड में से सबसे ज्यादा डेकोरेशन के लिए डिमांड होता है ये वाला। सबसे डिमांडिंग ये डेकोरेशन के लिए, जैसे बर्थडे शादी वगैरह थाईलैंड में बहुत होते हैं। हाँ, थाईलैंड में ज्यादा होते हैं। नहीं, नाइस, गुड। और ये वाला इसको क्या बोलते हैं, फिर से एक बार बता दो। एंथूरियम है। एंथूरियम हाउस प्लांट है, डेकोरेशन के लिए। यस, करेक्ट। उनके घर है ये। हार्ट जैसा शेप होता है ना, हार्ट जैसा शेप। हां, बल्ली का लेंस। हार्ट जैसा शेप होता है। हमारे घर पे ज्यादातर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये यूज करते हैं फोटो खींचने के लिए। कौन सा भांडा ऑर्किड? भांडा ऑर्किड। तो ये रेड भांडा और ब्लू भांडा सबसे ज्यादा रेयर होता है इसका। ये सबसे रेयर है? ये नहीं है, वो वाला ब्लू वाला रेयर होता है। ब्लू वाला रेयर होता है। अच्छा, नाउ ये क्या है सर? कौन सा? ये वाला। ये वाला बल्बोफ्लम टेसिपेस। इसका 39 स्पीशीज होते हैं। एक्चुअली हमारा असम में 396 मिलेगा, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में रिच है। और ऑर्किड को 80% ह्यूमिडिटी चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके, थैंक यू। फिर ये बहुत अच्छा है, सुपर रेयर ऑर्किड है। केटलिया। केटलिया रेयर है एकदम। वाओ, नाइस, गुड। ये घर में भी बहुत अच्छा लगेगा। यस, गुड। पापा, फिर ये दुनिया का एक छोटा ऑर्किड खिला हुआ है। दुनिया का छोटा ऑर्किड? ये 0.5 mm होता है, 1.2 mm वाला होते हैं, और ये 0.5 mm वाला खिला नहीं हुआ है। ये वाला खिला हुआ है। ये लिपलेस है, सिर्फ रूट होता है, रूट के द्वारा फ्लावर आते हैं। फ्लावर के साथ 1.2 mm टेनियर फाइलम के। कितना है इसका साइज? कितना है? इतना भी है, 1.2 mm साइज। 1.2 mm दुनिया का सबसे छोटा ऑर्किड। दुनिया में से एक छोटा है। सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, एक छोटा दुनिया में से एक छोटा है। तो ये भी बीज जैसा है, छोटा सा एंड जैसा, चिटिया जैसा भी है। ओके, ये भी चिटिया जैसा है, किलो जैसा। यस 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 यस। अच्छा, मौत ऑर्किड जैसा ही है। नाइस, इट्स अ वेरी गुड कलर। यहाँ पर एक खिला हुआ है। अरे, ऑर्किड का सीजन सबका अलग अलग है, ब्लूमिंग का सीजन सबका अलग अलग होता है। अभी आप लोग जो वाइल्ड स्पीशीज खेलने के देख रहा है वो इसी समय में खेलता है, इसलिए आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसका सीजन यही इसी समय। ये बल्बोफाइलम गुटुलेटम है, ऐसा अम्ब्रेला जैसा भी। क्या नाम है इसका? बल्बोफाइलम गुटुलेटम। बल्बोफाइलम गुटुलेटम, साइंटिफिक नेम ही होते ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ओके। उसके बाद सर,
ये कौन सा है? ये वाला बटरफ्लाई वाला, बटरफ्लाई वाला हाँ, मोटा और ये नॉर्मल फ्लावर है। तो इसका ऐसे बल्ले पक्षी कहा जाता है, बल्ले पक्षी जैसा है, पक्षी जैसा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो टाइगर का मुंह जैसा भी है। हाँ हाँ, टाइगर का मुंह जैसा भी बोलते हैं। बाजू वाला और क्या अलग है ये नीली, इसको क्या बोलते हैं भैया? बल्ले पक्षी है, बल्ले पक्षी। वो सब यहाँ पे ऐसे ही उगते हैं, उसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ देना जरूरत नहीं पड़ता है। हमेशा एपिफाइट होते हैं, पैरासाइट नहीं होते। मतलब ये ऑर्किड का प्लांट पेयर करने के लिए जरूर रहेगा, लेकिन इनमें से न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं लेगा, फिजिकल सपोर्ट के लिए ही रहेगा। जैसे अगर पॉट में, एक पॉट में भी कर सकते हैं, पॉट में ऐसे चारकोल ईट और कोकोनट का फाइबर डाल, जो एपिफाइट कहा जाता है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, उनको मिट्टी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, उसकी मिट्टी की जरूरत नहीं, चारकोल ईट और कोकोनट का फाइबर डाला गया। तो वो जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? यहाँ से पानी एटमोस्फेयर करेगा। हाँ, पानी एटमोस्फेयर से लेगा, जितना जरूरत है वो पानी एटमोस्फेयर से ले लेगा, एयर से ही लेगा उसका। अच्छा अच्छा, गुड। ओके, क्या बोला जाता है उसको? सेल का नाम है भेलामन टिशू। हाँ, एरियल रूट, वो सेल रहता है, सेल का नाम है भेलामन टिशू। वो हवा को अपनी तरह खींचता है, तो न्यूट्रिशन उसको हवा से ही मिले, हवा से ही न्यूट्रिशन मिल जाता है। आपने भी हवा से जीवता रह सकी है। सेम यहाँ पर खिला हुआ एक गेस्ट्रोसिला स्केल चल रही है। एक सेकंड, ए रुद्र टच नहीं करना बेटा, बेटे को देखने तो दो। यहाँ पर खिला हुआ है रेबिट जैसा है थोड़ा सा। ये कौन सा है? ये प्लांटेन था इंसेक्टिफेरा। कौन सा? प्लांटेन था इंसेक्टिफेरा, ये वाला। ओके, एक सेकंड, ये रेबिट जैसा है देखने के, रेबिट जैसा है। हाँ हाँ, ऐसा ही दिखता है। गुड, नाइस। उसके बाद सर, ये वाला एक, ये बेल है। हाँ, बेल जैसा है ये ऑर्किड, ऐसा है। हाँ बराबर, बेल जैसा है। फिर ये सारे बटरफ्लाई ऑर्किड, ज्यादातर बटरफ्लाई, मेन मोट सिम्बिडियम, ये सांप का मुंह जैसा है देखने के। हाँ, ये सांप के मुंह जैसा है। हाँ गुड, सांप के मुंह जैसा ऑर्किड, मॉडिफाइड पेटल। ओके, ये मोट ऑर्किड है, इसके बड़े ये सारे दूसरे पिंक कलर के, और वो दिखते हैं वो सब मोट ऑर्किड है, वाइट कलर के हैं वो। ये वाला है वेनिला बोनेंसिस। कौन सा? तो वेनिला, कुछ कुछ ऑर्किड खाने के लिए भी यूज किया जाता है। कुछ ऑर्किड खाने के लिए यूज होता है, खाने सबका, जैसे डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, ऐसे खाने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, वेनिला प्लांट भी एक ऑर्किड ही है। अच्छा, इसमें ऐसे फ्लावर आएगा, फ्लावर होने के बाद पॉट्स आते हैं, तो पॉट से उसका फ्लेवर लिया जाता है। अच्छा अच्छा, तो वेनिला फ्लेवर इससे बनता है? हां, इसी से बनता है वेनिला, फिर इससे बनता है। वेनिला प्लांट भी एक ऑर्किड ही है। अच्छा, लोगों को मालूम नहीं होता। अच्छा, वेनिला जो बोलते हैं वो एक ऑर्किड प्लांट ही है। ओ नाइस, ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। अब इसका इन्फॉर्मेशन है ना, यूट्यूब पे आएगा आपका। ये वाला है बाल्बोफालम पिटारोग्लोसम, असम में 39 स्पीशीज होते हैं इसका। 39 स्पीशीज, गुड। 39 क्या नाम है? ओके नाइस, गुड। ये कुछ और के पत्ते के ऊपर आते हैं, जैसे ये वाला पत्ते के ऊपर आया है, जैसे बाट जैसा, ये दो फांग फैला हुआ है, ये वाला जैसे उड़ रहा है उनके जैसे से भी। अच्छा, डेंड्रोबियम मेनी कहा जाता है इसको, सबसे ज्यादा असम में आपको डेंड्रोबियम ही मिलेगा। अच्छा, वो वाला इधर से देखिए, स्ट्रेट देखेगा तो वो मधुमक्खी बैठा हुआ जैसे सेफ है, हनी बी जैसा। कहाँ पे? कौन सा? येलो कलर। हाँ यस, कितना सुपर है। वाह वाह वाह, देखो ये मधुमक्खी के जैसा दिखता है। मधुमक्खी कितने हैं? ये मधुमक्खी। एक सेकंड, ये साइड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं आई। हाँ सेम मधुमक्खी के जैसा है। तो यहाँ पर एक खिला हुआ है ये वाला जो पहले। रुद्र साइड प्लीज। बाल्बोफालम पेसिकस। कौन सा है? ये वाला बाल्बोफालम पेसिकस। ये भी ऑर्किड है। ये ऑर्किड का बहुत वैरायटी होते हैं। अच्छा, सबका अलग अलग। ये तो बहुत अलग अलग तरह दिखते हैं। ये अलग अलग। ये एरिडिस मल्टीफ्लोरा है।
तो इसको भी बिहू में यूज किया जाता है बालों में लगा के। हाँ हाँ। तो इसको इसका तो इतना ज्यादा नहीं था, जो असम का स्टेट फ्लावर होता है फॉक्स टेल ऑर्किड, वो भी यूज किया जाता है। चार यूज किया जाता है, एक फॉक्स टेल ऑर्किड होते है, एक टोटली व्हाइट होते है, एक पिंक और व्हाइट होते है, वो दोनों यूज किया जाता है। और इसको भी यूज किया जाता है एरिडिस मल्टीफ्लोरा और एक ओडोराटा कहा जाता है। वो मार्च से शुरू होगा तो ऑर्किड का 20% फ्लावर खुशबू होता है उस समय, जब मार्च में होते उस समय से ज्यादा खुशबू वाला उसी समय आता है, एक लेमन जैसा भी खुशबू होता है। मछली जैसा है ये, मछली है कच्चा मछली जैसा है। ऑर्किड का 20% फ्लावर के खुशबू होता है, 80% का नहीं होता है। स्माइल करो, स्माइल करो, नाइस गुड। इसका नाम है डांसिंग लेडी, डांसिंग लेडी। हाँ ऐसी तो दिखाओ, ये लेडी जल्दी तेजस आ लेडी, कौन सा नाम फिर से एक बार बोलो। डांसिंग लेडी, डांसिंग लेडी, यस ऐसा ही दिखता है देखो, डांसिंग लेडी की तरह दिखता है। दो हाथ है, ये फेस है, ये यस 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 यस, डांसिंग लेडी जैसा ही दिखता है। डांसिंग लेडी, डांसिंग लेडी, भाई आ जाओ, डांसिंग लेडी कहाँ गई? नहीं रही, नहीं हमारे यहाँ पर सिर्फ ऑर्किड ही नहीं, आप लोगों को देखने के लिए बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। ऐसे नेशनल म्यूजियम है 97 ट्राइब्स है असम में, उनमें से कोई ना कुछ चीज वहाँ पर रखा गया। ये का ये कितने सालों से है ये? ये एक्चुअली अभी 3 साल कम्प्लीटली हुआ, अभी 4 साल रनिंग हो रहा है। और ये वाला जो है, ये वाला अभी बताया था वो आपने कलरफुल, ये वाला कौन? ये डेंड्रोबियम सोनिया है, इसको सबसे ज्यादा डेकोरेशन के लिए डिमांड, डेकोरेशन के। ओके, आगे भी ऐसे है, नेशनल म्यूजियम है और एक ऑर्किड फोटो गैलरी मिलेगा, राइस म्यूजियम है, चिल्ड्रन पार्क है, अच्छा चिल्ड्रन पार्क भी है, हर्बल मेडिसिन गार्डन, कैक्टस पोलिया और गुरखा म्यूजियम है, एक नेपाल का वेजिटेबल गार्डन है, तुलसी का अलग अलग प्लांटेशन मिलेगा आप लोगों को। Okay. और एक ग्रीन 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 हाउस है, एक खान का ऐसे नर्सरी मिलेगा, बेम्बो गार्डन, कल्चर प्रोग्राम शो होते रहते, आप लोग वहाँ पर बैठ के शो देख सकते हैं। Okay. अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो एंजॉय भी कर सकते हैं, टाइम दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। व्यू पॉइंट है, बोटिंग भी है। और यहाँ का नाम बोल दीजिए आप एक बार। आपका इसका ये लोकेशन का नाम है दुर्गापुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर। और ये पार्क का नाम है, पार्क का नाम है एक्चुअली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किसान का ऑर्गेनाइजेशन है, कृषक मुक्ति संग्राम समिति KMSS समिति के थ्रू चल रहा है। और ये जो इसको बोलते हैं, ये पार्क का नाम एग्जैक्टली काजीरंगा नेशनल ऑर्किड, ओके नेशनल ऑर्किड पार्क, ओके ओके, थैंक यू सो मच।